राहण्याची बेकट परिस्थिती असते, ती पाण्याची काय सोय आहे तिथं? झोपडे बनवून राहावं लागतं. हां, झोपडे बनवतात ते आपले, त्या झोपड्यामध्ये व्हायचं 6 महिने. जोपर्यंत रात्री 11ला बी काम करायला जावं लागतं, रात्री 12ला बी जावं लागतं. त्यांचा टायमिंग नसतो त्या कामाचा. त्या कामाचा टायमिंग नाही, कामाचा टायमिंग नसतो. अंजर भरायला आलं तर रात्री 12ला सुद्धा उठून जावं लागतं. हो, टायमिंग नसतो त्या कामाचा. पाँच पाँच एकड़ तुमको दे देते, जिसको नाम पे नहीं है जमीन, तो 3 पीढ़ी हो गई इसको खारे, तो जब से खारे पर वो नाम पे कोई करके दिए नहीं अभी तो. हमारे कहना है कि नाम पे हो जाना हमको. सास ससुरा वो भी चले गए, दादा ससुरा वो भी चले गए. 3 पीढ़ी हो गई ना इसको, 3 पीढ़ी से खारे. अब हम भी चल जाएंगे, जब 4थी हो जाएंगी. जब तक भी नाम पे नहीं आ रहा, खाली बोलते करके देंगे करके, हम देने का नाम नहीं. फिर हमको कुछ समझता नहीं ना आगे क्या करने का क्या नहीं. फिर नाम पे हुआ तो कुछ भी करते आता, ऐसा है. अब कुछ भी अपना बागायत निकालते ना मला तला, तो फिर गन्ना तोड़ने जाने की जरूरत नहीं रहती. अब ये कैसा ये काम हमको कुछ भी नहीं, कोरोना हुआ ऐसा, ये निकालिए खाने को पूर्ति हो गए, चले गन्ना तोड़े को. ये खाने को है, बेचने का काय को. अभी इतना खाने को नहीं पूरता अपने लोगों को, उन बेचने का से पूरेगा. ये खाने का है, ये खाए पूर्ति हो गई तो बस होगा, ऐसी बात है. ये हमको क्या है, काम करने का, खाने का काम जिंदगा ने उसमें जा रही हमें. अभी सूख रही ना, पानी नहीं तो बारिश नहीं तो, ऊपर का आया तो है, नहीं आया तो गया, ऐसा है ना. अभी जमीन में पानी अपना घर का समझो नाम पे रहा होता तो हम बावड़ी खोते होते, उसमें लाइन लाए होते, पानी लाए होते, फिर वो निकालते आता ना माल. ना अभी पानी नहीं है ना ऊपर का, तो ये आया तो आया, नहीं तो सूख जाएंगे, ऐसा है. उसके हाथ में है अब आने का जाने का, आता नहीं आता उसमें हाथ में. अब 1 महीना से ऊपर हो गया पानी नहीं तो ये माल सब सूख रहे. अब इसको पानी लग रहा, लोकांना थोड़ा कळायला पाहिजे इकडे रस्ता पाहिजे. नहीं आया पानी तो सूख जाएगा. कम से कम या डोंगरावर झाडा गिड्या तर लावा सांगा सरकारला, तितकं तर आमचा फायदा होईल, कसे पर्यटक वाढतील. पाइप लाउड है कांदा 40 रुपए करते. ओ भैया पकड़ में नहीं आता जोरा. ये जरा फोटो पड़गो मत उनके लाग पकड़ रे काढीस रे काय पकड़ रे से पाणी देते मजाबा निकळ ऑर्डर पडली. त्याला काय करावं भैया, ती पाईप तो आता तुटलेलं काढ. नाही ते काय झालं पाईप ते लोड घेईना, ते लोड नाही त्याला बेंड पडले ते थोडं त्यावर मशीनवर लोड यायला लागला ते. अरे भाटात फिट करा म्हणता, आदगोर फिट करती सगळं व्यवस्थित. आ चालू मत कर पडरेत बा, पाईप आण ना, पाईप आण चांगला. पेट्रोल पर चलो सर, मेरा नाम अशोक राठौड़ है। मैं एक औरंगाबाद के एक 20 किलोमीटर खेड़े गाँव में रहता हूँ। मेरे माँ बाप लगभग 15 साल शुगर कटिंग करे थे। उसके बाद मेरी शादी 1995 में शादी हुई। उसके बाद मैंने खुद 3 साल शुगर कटिंग करा। तो ये इसलिए करना पड़ता है सर, 4 महीने 5 महीने के लिए काम नहीं मिलता है, घर को नहीं मिलता। भाई चलो घर में 4 आदमी तो 2 आदमी को मिलेगा या 2 आदमी को नहीं मिलेगा। शुगर कटिंग में ऐसा है सर, घर में 6 साल का बच्चा अगर रहा तो भी काम कर सकता है, उसकी जो फ़ायदा है वो मिल सकता है। ये तो खेती नहीं रहती सर, कम खेती रहती है। कम खेती उसके बिगर पानी नहीं रहता है। उनकी इतनी बेकार हालत, वहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है। भाई शुगर कटिंग है, दूसरा काम ही नहीं है। और वो सोचते भाई आपने को क्या करेंगे। आपने भी ये करा, मुझे भी ये करना है, मेरी बेटी को ही करना है। पर आप थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है सर, आप लोग सोचने लगे। तो हे पाण्याचं तर हे शासनाचं काम आहे। शासन जर लक्ष केलं तर काम होऊ शकतं। आणि शासनाने जर दुर्लक्ष, तर आतापर्यंत दुर्लक्ष आहे शासनाचं, तर काहीच इथं काही समजा डेव्हलपमेंट झालंच नाही। तर मग आपली तुमच्या थ्रू इच्छा आहे शासनाला सांगायची की बाबा काहीतरी शेततळं नाहीतर तळं आपलं पाझर तळं हे करून दिलं तर अडचण दूर होती पाण्याची। पाणी जर राहिलं मग बागायत शेती हे असं काहीतरी करू शकतो माणूस। तुम्हाला वाटतं की तुम्हाला जर वर्षभर पाणी मिळालं तर तुम्ही शेतातून तुमचं काम चालेल? हो, वर्षभर पाणी असल्यावर करत चालू राहत असेल। तुम्हाला काय वाटतं की तुमच्याकडून पाणी पोहोचत नाहीये? मग पाणी मग ते अडचण आहेत ना साहेब, ते म्हणते फॉरेस्टची जमीन आहे, तुमची जमीन द्या, मग आम्ही तळ बनवून देतो। आपले चालू आमदारला सांगितलं होतं मी की साहेब एक आम्हाला फॉरेस्टमध्ये एक तळं बनवून द्या, इथं खाली तुम्ही गेलते ना खाली तिथं, मग त्याच्याबद्दल तुमची जमीन द्या आम्हाला। आता इथली आपली जमीन कोण देणार आहे? तिथे एकाची अडचण नाही ना, सगळ्याची अडचण दूर होणार आहे। तर ते शासनाला समजा करायला पाहिजे तेवढं। तुम्ही लहानपणी तुमच्या बालपणातून तुमच्या आईवडील पण का उसका पण जायचे? हो, तर मी ते लई स्टोरी वेगळी सर। ते सकाळी 4 वाजता चालले जायचे इथून गाडी बैल भरून। पहिले ट्रक, आता ट्रक पसारा न्यायचा, पहिले बैलगाडीवर न्यायचं। तर आम्ही झोपेल राहायचे, ते 4 वाजता निघून जायचं। मग आम्ही आजी आजोबाला विचारायचं बाबा आई वडील कुठे गेले आपले? ते म्हणायचे गेले आजीकडे, आज नाही उद्या येणार आहे। मग 1-2 दिवस विचारले का ते मग आम्ही विसर पडायचं आम्हाला। मग तर मग मी 10वीपर्यंत मी ते ऊसतोडीला गेलो नाही, कारखाना पाहायला सुद्धा नाही गेलो 12वीपर्यंत। मग 12वी नापास झालो मी, मग त्याच्यामुळे हेच धंदा धरला मग ऊसतोडीचा। हाउ सर, इलाज नाही दिला आता। मग तेच सर, आता जर समजा जर इथं काही जर झालं, समजा पाण्याची व्यवस्था नाही तर काहीतरी हे झालं तर मग चुकन ते काम। नहीं तर एक पीक आहे. आता जे पाऊस आला ठीक आहे, नाही पाऊस आला तर झालं संपलं. मग as you know, when they migrate, they often have to take their younger children to the work sites, which means that there is a complete loss of childhood is how, you know, we would describe that. I'm Seema Kulkarni, and I'm part of an organization called Society for Promoting Participative Ecosystem Management, which is SOPECOM for short. And this organization basically works on issues related to land, water management and agriculture. And my specific interest is, of course, looking at women farmers and marginalized communities. It's not just that the child has dropped out from school, but it's a complete loss of childhood, right? I mean, the child has never interacted with peer, has never played with other children, hasn't learned. So, you know, there are various milestones that have been completely missed. Doctor. Politics and sugar are closely connected in Maharashtra. I believe that very few people are there who are owning sugar factories and still they are not into the politics, you can say. You can say 99.99% people who are owning the sugar factories, be it cooperatives or be it private, all are directly involved into politics. And this is one of the industry which gives the livelihood to thousands of the people. So be it farmers, be it employees who are working in our organization, harvesting and transport laborers and other indirect people who are dependent upon the functioning of the sugar factory. Grossly you can say around 50,000 plus population, if it is getting affected from one sugar factory, then the person who are running the sugar factory, they have got a very good chance to have the direct interaction with this public. And if the public feels that if he is doing good for us, then naturally he becomes the face of the public. And therefore, from the sugar industry, political leaders starts getting emerged. And in that way, this is the structure, this is the foundation structure, you can say, in which if the person is connected with the political with the sugar factory, he has got his own vote bank, and that has happened. The people who have started their sugar factories initially, the business was a very less motto. Politics was the main motto, because they wanted to get in touch with the public. So it is basically a kind of an system which is being set, where it is exploitative in nature. People won't realize. You know, some things are very overtly exploitative. Some things are very covertly exploitative. And it is very difficult to pinpoint the covertly exploitative things. And this you know, falls in that category. If you see the workers and they are actually very weak in front of these powerful, people. In a classical sense, you would say they are not only the capitalist, but they are a combination of a capitalist and also the rulers. Likewise, you talk up an ideal situation where an industrialist and worker, this is not a conflict between industrialist and a worker. But here you see the role of an industrialist, okay, who is fused with that of a politically powerful person, or one which drives politics. So it is a very deadly combination. In front of that, these workers stand so weak. अपना एक्सीडेंट हुआ तो उसको केस करे तो उसको हमारे साथ कोई नहीं था, तो ऐसे बच्चे ले गए दवा खाने को, उसको पैसे हमने लगाए, फिर केस करे तो पुलिस वाले ने केस नहीं उठाए, कुछ नहीं। ऐसा आप गरीब लोगों के साथ नहीं रहा तो कौन कर्ज उठाता, फिर उसके वजह से हमारा बहुत नुकसान हुई, 2-1 लाख की, 2 लाख की नुकसान हुई, 1 लाख के बैल चले गए, छोकरे को दवा खाने को लग गए, सब घर की नुकसान हुई, कोई नहीं साथ दिए, मदद करते नहीं, वो गन्ना तोड़ लेते, हुआ नुकसान तो तू तेरा सुधार, ऐसी बात है ना। आप क्यों नहीं करते, आप उसको बोलने वाला कोई नहीं ना। जब वो पावर मिल जाता है तो वही आदमी उनके जैसा हो जाता है, गरीब तरफ कोई नहीं जाता सर। गवर्नमेंट के हाथ में कुछ रूल्स है फैक्ट्री के, अगर गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर सकती तो हो सकता सर। ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे दी तो बहुत सारे बातें ये गवर्नमेंट के हाथ में शुगर फैक्ट्री का है, पर गवर्नमेंट करती नहीं वैसे, इसके लिए इनके हाल है, इनको कोई देखे नहीं जाता भाई क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, इनकी क्या तकलीफ है, ये कोई देखता नहीं सर। गवर्नमेंट अगर सब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये शुगर फैक्ट्री कंट्रोल कर दिए तो ये इनके पीने के पानी के लिए सर, रहने की जगह, इनके बच्चे स्कूल, इनका दवाखाना, हॉस्पिटल, ये सब बातें होंगी ना सर। ये एक शुगर फैक्ट्री के हाथ में बातें हैं ना सर। तो ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ फैक्ट्री पे कंपल्सरी कर दिया भाई नहीं ये करना है तो शुगर फैक्ट्री चल सकती, नहीं तो नहीं। वो करोड़ों की स्टेट वो क्या करेंगे सर, 10-20 लाख के वास्ते क्या नहीं, उनको क्या करना है, 4 ईटा पत्थर लाके बना सकते हैं, 1 हॉस्पिटल बना सकते हैं सर, कोई बात दिक्कत नहीं है ना। जिसने करोड़ों रुपए करा सर उसमें 25 लाख की कोई बात नहीं, उतना उनके पास भंगार रहता है, उनके पास लेबर है, हाफ सीजन में उतने लोग बैठे, एक हाफ सीजन में कम 500 लोग का काम करे, 500 घर पे रहते, वही 500 लोगों को उन्हें काम पे लगाते, 1-4 महीने में उनके क्वार्टर हो जाते सर। उनको लगता क्या है, नहीं सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट उनके पावरफुल नहीं। जितने गवर्नमेंट लीडर है सर उनके ही फैक्ट्री है। सबसे मेन बात है सर, ये कोई आम आदमी की फैक्ट्री नहीं है ना सर। जो लीडर गवर्नमेंट है उनकी फैक्ट्री तो गवर्नमेंट बनाएगी किससे, और किससे बोलेंगी भाई तुमने ये क्यों नहीं रोकी। जो भी गवर्नमेंट पॉलिटिक है उनकी फैक्ट्री, गवर्नमेंट उनके हाथ में है, गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती उनके मन से, और उनके कंपल्सन भी नहीं कर सकती। वो बोलेंगे भाई तुम करने वाले कौन है, फैक्ट्री उनकी मालिक भी हो और उनके हाथ में है। और कितना ही बेखादे आप बोल रहे भाई सर इनको एखादा कंपल्शन अधिकारी बना दिए तो ये क्यों नहीं कर, उनको मालूम है सर मैंने यहाँ पे कर दी, मेरी यहाँ से निकाल देंगे। वो उसके रूल से करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट उनके हाथ में, पावर उनके हाथ में, स्टेयरिंग उनके हाथ में, तुम क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी एखादे महाराष्ट्र में एखादा बोले भाई ये आदमी की फैक्ट्री है, गरीब है और उसकी शुगर फैक्ट्री है, ऐसा तो नहीं। जो लीडर है उनकी फैक्ट्री है, वही उनका है, तो उसमें कोई करेंगे नहीं सर। रूल बनाने वाले है, रूल दुकाने वाली भी हुई है। आता ऊस कापायला म्हणजे कसं आहे, त्याच्याशिवाय काही पर्याय नव्हती ना। आता 6 महिने कसं ते पोट जगवण्यासाठी जावं लागतं ना। आता इथं कसं आहे, आता सध्या पाऊस नाही, आता आता पिकं गेली आमची कामातून। आता पाऊस कमी असल्यानंतर मग ते पिकं पाणी येत नाही ना आमचे, मग ते ऊस तोडीला जावं लागतं। मग तुमच्या आता शेवटची पिढी असेल जी ऊस कापायला जाईल, तुमच्यानंतर तुमची पिढी म्हणजे आमच्या नंतरची पिढी काय आता काय सांगता येतं त्याचं, हां सांगू शकत नाही। आता आमचं आता ही चालू पिढी तर समजा चालली, आता हे इथून पुढं काय सांगता येतं त्याचं, कसा बदल होतो, काय होतो, का असे दिवस पुढं जातात, याचं काय सांगता येईल। शेवटची पिढी कशी असायला पाहिजे आम्हाला वाटतं की आजच हे बंद व्हायला पाहिजे ऊस तोडणीचा। हां